व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सनी और आज आप देख रहे हैं टेक नूब का यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास रेड गेयर का एलईडी गेमिंग माउस है। अगर मॉडल की बात कर लें तो ये A10 है। बॉक्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम 350 रुपीज़ में देखें तो बॉक्स हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर हम डब्बे के पीछे देखें तो हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ये ऑप्टिकल सेंसर माउस है। इसमें जो DPI है वो आप चेंज कर सकते हो, लाइक कि आप 800, 1200, 1600 और 2400 तक जा सकते हो। DPI का मतलब सिर्फ यही है कि वो सेंसिटिविटी कंट्रोल करता है। अगर और चीज़ देख लें तो इसमें 1.8 मीटर की आपको केबल मिलेगी। बाकी इसमें सिलिकॉन रबर का रोलर मिलता है और कुछ साइज़ है, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। आइए इसे ओपन कर लेते हैं, करते हैं। अंदर तो एक सिर्फ एक ब्राउन कलर का डिब्बा ही है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको साइड रख देते हैं। इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल प्लेन। ये इसे ओपन करते हैं। ये हमारा माउस, ये एक रेड गियर का इसमें एक स्टिकर है और एक मैनुअल बुक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको साइड रख देते हैं। मैनुअल बुक में ये लिखा है कि आप कैसे इसको अपने में इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आपको अपनी लाइट्स ऑन करनी है, ये देखते हैं, डिसाइड करते हैं इसको। बाकी एक स्टिकर है जो आप अपने कीबोर्ड पे या अपने कंप्यूटर पे या CPU पे लगा सकते हैं, इसको भी साइड रखते हैं। माउस को देखेंगे अब हम, कुछ इस तरह दिखता है ये रेड गियर का माउस। अगर यहाँ पे हम माउस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर यहाँ पे मैट फिनिश दे रखी है लेफ्ट साइड में, और राइट क्लिक पे भी मैट फिनिश है। पीछे जहाँ पे रेड गियर लिखा है उधर भी मैट फिनिश दी हुई है। साइड में प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है। और अगर नीचे की साइड बात करें तो रेड गियर का अपना मॉडल नंबर लिखा हुआ है। बाकी बीच में DPI का बटन है और यहीं से आप लाइट्स को क्लोज भी कर सकते हो और ऑन भी यहीं से होंगी। बाकी इसके आगे एक रोलर दिया हुआ है और कुछ नहीं है माउस में। ये 1.8 मीटर की केबल है और इतने प्राइस पे अगर ऐसी केबल मिल रही है तो भी ठीक ही है। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर ये भी गोल्ड प्लेटेड होती तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए इसे अभी प्लग करके देखते हैं, देखते हैं इसकी RGB लाइट्स कैसी दिखती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने रेड गियर के माउस को प्लग कर दिया अपने PC में और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। RGB की लाइट्स इसकी ऑन हो गई हैं। लाइट्स इतनी ब्राइट नहीं है, ठीक है, पर कोई बात नहीं है। 350 रुपीज़ में अगर आपको RGB की लाइट्स मिल रही हैं तो बहुत अच्छा है। अब आप भी अपने गेमिंग के लिए या कोई नॉर्मल काम के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस DPI बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, तो आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। पर लाइक कि अगर आपको थोड़ा एक गेमिंग इफेक्ट चाहिए तो DPI को दबाएं और ये वापस ऑन हो जाएगी। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इनमें कलर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी लाइट्स, कोई फिक्स लाइट्स नहीं है इसकी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्राइस 350 रुपीज़ है और आप इसे अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं, पर मैंने इसका एक एफिलिएट लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके बाय कीजिए, ट्राई करिए। माउस काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, और इसका जो RGB लाइट्स है वो काफ़ी कूल लग रही है मुझे भी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट किया है एक RGB लाइट वाला माउस और ये काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें